नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीनगर महानगर में पेयजल समस्या भयावह रूप धारण करती जा रही है। भूगर्भ जल के गिरते स्तर के कारण नगर निगम को भी पेयजल आपूर्ति के लिए अधिक संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं। इस शहर में मौजूद पेयजल समस्या को लेकर आहूति संगठन बजरंग दल की एक संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। यहां आहूति अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चेतावनी दी और कहा कि अब विचार करना होगा कि अलीगढ़ महानगर में बढ़ती पेयजल समस्या का निराकरण आखिर क्या है। क्या ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल, समरसेबल लगाना इस समस्या का हल है? आहूति अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ महानगर का एक बड़ा वर्ग नगर निगम द्वारा की जा रही जल आपूर्ति पर ही निर्भर है। उसे पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जो पानी मिल रहा है उसकी गुणवत्ता संदिग्ध है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्वच्छ जल और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता किसी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? जब आप जल कर ले रहे हैं तो पर्याप्त स्वच्छ पानी देने का काम आपका है। देखिए, समस्या तो रहेगी, समस्या ऐसी ही रहेगी क्योंकि पिछले 30-40 सालों में पानी की समस्या को लेकर कुछ किया ही नहीं है। ना शासन की तरफ से हुआ, ना नगर निगम की तरफ से हुआ, ना और किसी अन्य संस्था की तरफ से हुआ। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष एक छोटा सा आंदोलन हम लोगों ने किया था। एक वार्ड में गंदा पानी आ रहा था और पानी आ ही नहीं रहा था बहुत सी जगह। तो उस वार्ड की महिलाओं को लेकर और कुछ हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे, हमने महापौर कार्यालय का घेराव किया था। और आप कैसे कहूं, मैं, मेरे पास शब्द तो नहीं है। अगले 24 घंटे में जहां पर पाइपलाइन टूटी हुई थी वहां पर पाइपलाइन भी पड़ गई और पानी की समस्या का निदान भी हो गया। अगर आप जाएंगे दुबे पड़ाव क्षेत्र में या पन्नागंज क्षेत्र में पता करने, तो लोग आपसे कहेंगे कि चाहे पूरे अलीगढ़ में पानी कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उस वार्ड में पानी आ जा रहा है। और आप देख रहे हैं, लगातार समाचार एजेंसी दिखा रही है और लगातार अखबारों में भी आ रहा है, कभी कहीं पानी को लेकर समस्या है, कभी कहीं पानी को लेकर समस्या है। और वो दिन अब दूर नहीं है जो छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं ना, कहीं 20 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं 40 लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्योंकि पिछली बार मैंने आंदोलन किया था तो समस्या का निदान हुआ। तो प्रेशर केवल जनता का नहीं है, जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता की पार्टी है, जिनका मेयर यहाँ पर है, उनके कार्यकर्ताओं का भी है। और आपको निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पार्षद भी मेरे से कह रहे हैं कि गौरव जी, इसको लेकर तुम कुछ करो जिससे कि पानी की समस्या का समाधान हो सके। अगर ये समाधान प्रशासन और नगर निगम और हमारे महापौर साहब अगर मिलकर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ जनपद में मैं खड़ा करूंगा और पानी की समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन समाधान निकालेंगे। देखिए, एक तो पानी की समस्या आ रही है, नगर निगम द्वारा बोझार करते, ये वास्तव में जो आज अलीगढ़ जनपद में प्यासे लोग है ना, ये उनकी उनकी प्यास का मजाक बना रहा है यहाँ का नगर निगम। एक तरफ तो एक आदमी प्यासा मरा पड़ा है बेचारा, उसको नहाने धोने का तो छोड़ो, उसको पीने का पानी नहीं है। एक तरफ तुम हजारों लीटर पानी मशीन में बहा रहे हो, और मैं पूछना चाहता हूँ, ये अभी 2 साल से मशीनें आ गई, इससे कितनी ठंडक हो रही है शहर के अंदर? कितने लोग ठंड से कम्बल लोड़ के और उस पानी सिस्टम के नीचे निकल रहे हैं? ये केवल और केवल बर्बादी की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, जबकि स्मार्ट सिटी केवल नाम की है। शहर का एक क्षेत्र तो स्मार्ट सिटी जैसा लगता है, बाकी पूरा शहर आज भी गोबर सिटी है मेरी निगाह में। तो देखिए, जनता से मैं एक ही बात अपील करूंगा कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। आप लोग निकलिए सड़कों पर, जो भी जिम्मेदार है इस पानी के ना आने के, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, जाइए ना उनके घर बाल्टी ले लेके फोड़िए मटके, क्योंकि जब तक आप चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, आपको पानी की बोतल कोई घर देने वाला तो है नहीं। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई किस संबंध में रखी गई? देखिए, आज की प्रेस वार्ता इस अलीगढ़ के बहुत ज्वलंत विषय पेयजल की जो समस्या खड़ी हो रही है, सामान्य व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, उस समस्या के समाधान को लेकर जो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हें बड़ी चिंता है। क्योंकि सरकार और शासन और प्रशासन दोनों ही, और तीसरा वो इंजन और है हमारा, तीनों इंजन इस समय बिल्कुल बेकार है, और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए तीनों इंजनों में से कोई इंजन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और पानी एक ऐसी समस्या है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की समस्या खड़ी हो गई तो इस अलीगढ़ का जो औद्योगिक ढांचा है वही समाप्त हो जाएगा, शहर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। बिना पानी के तो आदमी 24 घंटे नहीं रह सकता, तो इसलिए। और पिछले 50 सालों में पानी की समस्या समाधान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग जब नम्मान जी अध्यक्ष थे, उनके साथ में सेक्रेटरी था, तब भी हम घड़ा फोड़ा करते थे, और आज भी यही स्थिति है। केवल अंतर यह आया है कि पहले 50 फीट पे पानी था, आज पानी 200 फीट पे पहुंच गया है। अगर ये 200 फीट वाली लेयर खत्म होगी तो पानी हमको 350 फीट पे ही मिलेगा।
तो और वो सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर होगा। तो हमारा निवेदन है कि अब गंभीरता पूर्वक शासन और प्रशासन और नगर निगम तीनों मिलकर और इससे जुड़े हुए जो भी विभाग हैं वो मिलकर भविष्य के पानी की में होने वाली जो संकट है उसको बचाने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करें, इस निवेदन के साथ हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के ताला नगरी मनकामनेश्वर फैक्ट्री में धमाके के साथ अचानक आग लग गई। इस दौरान आग में झुलसकर दो लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को आग से बाहर निकाला। इलाज के लिए JN मेडिकल भेजा गया, यहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं JN मेडिकल में घायलों की स्थिति गंभीर बताई गई है। घटना की सूचना पर आला अधिकारियों के साथ CMO नीरज त्यागी JN मेडिकल कॉलेज पहुंचे। फिलहाल धमाके के साथ आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। अच्छा, ये क्या घटना हुई है, कहाँ पर घटना हुई है? हुई थी कि हमें वो मालूम नहीं पड़ी कि ये जो विस्फोट हुआ है ये मालूम नहीं पड़ी कि क्या विस्फोट हुआ है। जब यहाँ मैं देखा था तो आज तक जो भीतर घुसने नहीं दे रही थी मेरे को। कौन लोग नहीं घुसे? जो गार्ड वगैरह और जो काफ़ी लोग हैं। और जब आज तक हुआ तो मैंने वहाँ पर देखा तो लोहे की टीनों पर उठा उठा के मैं आदमियों को लाया था और 30 और 35 के आसपास एवरेज में आदमी ख़त्म हो चुका है इसमें। 30 और 35 कितने लोग का ये काम कर रहे होंगे? 30-35? हाँ जी। कितने वर्कर काम कर रहे हैं? एक शिफ्ट में कम से कम 70 के आसपास एवरेज में है एक शिफ्ट में। और जबरदस्ती इनकी योगा ये है कि 12 घंटे की ड्यूटी है और योगा 24 घंटे काम कराते हैं। तो आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे बेलदारी करता हूँ। साइड में बेलदार हैं आप यहाँ इस फैक्ट्री में? बराबर में इसके। जब धुआं देखा था मैं, धुआं देख के जब आया था। अच्छा, जब भगदड़ पड़ी थी यहाँ तो कितने लोग होंगे इसमें घायल हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई? 4 आदमी तो मैंने निकाले हैं वहाँ से, एक हरिया एक फत्ते है और दो उनका मुझको पता नहीं है। सुभाष चौहान है, 100% जले हुए सुभाष चौहान जी। तो किस चीज़ की फैक्ट्री, क्या होता है? ये लोहे का काम है और जहाँ पे तानाशाही है योगा लोहे फैक्ट्री वालों की, सबकी तानाशाही है। मनकामेश्वर LDS मनकामेश्वर। लोहे का क्या होता है? लोहा गलाया जाता है, गलाया जाता है, लोहे की चिल्ली बनाई जाती है यहाँ पे। देखिए, आज ताला नगरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री एरिया में एक फर्नेस में एक ब्लास्ट हुई है, उसके बाद आगजनी का एक बहुत रमाकपूर्ण घटना हुई जिसमें जो हमारे सूचना मिलते ही फायर सर्विस के और टीम और पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स मौके पर तत्काल पहुँच कर रेस्क्यू के ऑपरेशन चालू किए और अभी जो वर्तमान में पूरी तरह से आग बुझ गई। इस इंसिडेंट में जो हमारे पास जो अभी इनिशियल सूचना है इसके अनुसार 5 लोग घायल हैं जिनको अभी JN मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है और वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, CMO और ACM की टीम मौजूद है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको जो सबसे अच्छा इलाज वहाँ पे उपलब्ध हो। और 2 लोगों की डेथ की अभी पुष्टि हुई है और अभी पूरी तरह से आग कंट्रोल में है और सर्च ऑपरेशन भी हमारी टीम के द्वारा किया गया है। वर्तमान में स्थिति अभी कंट्रोल है, आग पूरी तरह से बुझ गई। सर, घटना का कारण पता लग पा रहा है किस कारण? अभी जैसे प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो कंसर्न ये रहा है कि आग को कंट्रोल में लाएं और जो घायल हैं उनको यहाँ से इवैक्यूएट करके उनका समुचित इलाज सुनिश्चित करें। जो कारण के बारे में विस्तार में अभी जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जांच करेंगे और कारण के बारे में असेसमेंट। सर, इसमें कितने मजदूर होंगे, कुछ पता लग रहा? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि टोटल 5 घायल हैं जिनको JNMC में शिफ्ट करके एडमिट किया गया है, वहाँ उपचार चल रहा है, 2 लोगों की डेथ हो गई। ये ताला नगरी में जो है ये मनकामेश्वर जो है एक फैक्ट्रीज है जो स्क्रैप गलाते हैं, उसी में एक्सप्लोजन हुआ और इससे कि जो है जो भी मटेरियल था बाहर आया उसमें आग लगी थी। 5 गाड़ियाँ लगाया हूँ दमकल की और आग कंट्रोल पहुँचता है। कितने लोगों का रेस्क्यू किया है? 5 पहले हॉस्पिटल पहुँचाया गया, 2 कैजुअल्टी जो है बाद में जो है हम लोगों ने जो है रिकवर किया है। कितने लोगों इसके भी आइडिया नहीं हो पा रही है, इसकी आइडिया नहीं हो पा रही है कि कितने लोग थे उस समय काम कर रहे थे। स्पष्ट हो पा रहा है आग नहीं, उसमें एक्सप्लोजन हुआ है, कोई चीज़ ऐसा मटेरियल गया होगा जो फर्नेस में, जिसकी वजह से जो है वो ऊपर मटेरियल आया है और मटेरियल आने के बाद तब फिर जो है उसमें जो है वो हुआ है। किसकी फैक्ट्री है?
बाबूलाल जी जैन साहब की फैक्ट्री है। तो क्या हुआ है, पूरी घटना क्या हुआ? अभी हम तो जैसी उड़ती उड़ती सुनी हमने तो यहाँ पे आए, तो एक हमारे साड़ू के पिताजी हैं वो खत्म हो चुके हैं, और एक और उनके जान पहचान के वो खत्म हो गए, तीन चार घायल हैं, वो हॉस्पिटल पहुँचा दिए। फैक्ट्री है जिसमें लोहा गलाया जाता है। तो कैसे आग लगी, क्या हुआ जी? इसमें कोई सिलेंडर की सूचना मिली है कि सिलेंडर उसमें भरा हुआ मिला था, उसके कारण वो मामा पहुंच गया है भट्टी में, वो उसने बम विस्फोट किया। तकरीबन कुछ अंदाजा है कितने लोगों के अंदर होने की? आठ लोगों की सूचना है, इसमें दो खत्म हो गए और पाँच के करीब घायल है। कहाँ के नहीं के सब हैं? हाँ, लोकल के ही हैं, यहाँ 10-20 किलोमीटर की रेंज के ही है। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह चौहान। ये सरिया फैक्ट्री है किसी बाबूलाल जैन की। अभी इस फैक्ट्री में आग लगने के कारण कुछ लोग, पांच लोग घायल हुए थे जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, और दो लोगों की इसमें अभी पुष्टि नहीं हुई है, मृत्यु होना बताया जा रहा है। तो अभी पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और उसके उपरांत जो है अभी आग पर कंट्रोल हो गया है पूरी तरीके से। आग पर कंट्रोल होने के बाद ये सर्चिंग की कार्रवाई हो रही है और आगे पूरा कार्रवाई। सर, आग लगने का कारण पता लग पा रहा है क्या हुआ? अब उन सब कारणों की अभी जांच कराई जाएगी, जैसे ही पता चलेगा उसकी विस्तृत। कुछ लोग फैक्ट्री में, अभी फिलहाल यहाँ पर सर्च कराया जा रहा है। वैसे तो पूरी फैक्ट्री लगभग खाली हो चुकी है, अभी फिर भी हम लोग एक बार और सर्चिंग का कार्य करा रहे हैं। ये किस चीज की फैक्ट्री है, काय की फैक्ट्री है? ये फर्नेस है, फर्नेस। तो क्या घटना क्या हुई यहाँ पर? घटना मुझे मालूम नहीं है, मैं बाहर था। क्या सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना मिली थी फैक्ट्री में आग लगी है, इसलिए मैं आया था। किस चीज़ से आग लगी है ये मुझे पता नहीं है। घायल भी है यहाँ पर? ये तो मुझे पता करनी पड़ेगी, अभी मुझे पता करनी पड़ेगी। सुन, क्या नाम है तुम्हारा? सुमित नाम है भैया। अच्छा, कैसे घायल हुए थे, कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? भैया मल्टामेश्वर तालनगरी फंडेस में वहाँ पर बैठा था, तो उसमें माल भट्टी पता नहीं ऑटोमेटिक अपने आप माल फेंक दिया उसने। पांच लोग घायल हैं। फट गई थी फटती नहीं है। आप क्या कार्य करते हैं? भैया मैं मोल्ड ऑपरेटर। कितने समय से? डेढ़ साल से काम। हाँ, कहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? मेडिकल में चल रहा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जज्बा फाउंडेशन द्वारा चरिंदों और परिंदों को भूख और गर्मी से बचाने के लिए शाहजमाल ईदगाह से पुलिस थाना रोरावर तक लोगों को प्लास्टिक के प्याले और चावल वितरित करते हुए हैंडबिल और बैनर के माध्यम से जागरूक करने के लिए पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कुआरिफ अली ने कहा कि हम सभी को बेजुबान जानवरों को पानी और खाना खिलाना चाहिए, यह बहुत पुण्य का कार्य है। फाउंडेशन महासचिव डॉक्टर स्वालिहीन अख्तर ने कहा कि आप अल्लाह की मखलूफ पर दया करो। उन्होंने बताया कि गर्मी में अपने घरों के बाहर छायादार पेड़ों के नीचे या छतों पर पानी और खाने के बर्तन रखें, और हो सके तो छतों पर परिंदों के लिए शेड छाया की व्यवस्था भी करें। मोहम्मद उमैर ने सभी से अपने घरों और दुकानों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी दाना रखने की अपील की। इस दौरान मुख्य रूप से खुर्शीद अहमद, डॉक्टर राजकुमार, फैसल खान, हामिद अली, डॉक्टर सदफ खान, चंदन सिंह और अन्य सदस्य मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में द किसान साथा चीनी मिल्स में चीनी घोटाले का मामला सामने आया है। यहां 30 दिन में 35 लाख कीमत की 1100 कुंतल चीनी बंदरों के द्वारा खाना अभिलेखों में दिखाया गया है, और ऑडिट रिपोर्ट में ये मामला उजागर हुआ है। इस मामले में प्रबंधक लेखा अधिकारी सहित 6 को दोषी पाया गया है। मामले की रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को भेजी गई है। वही मिल्स के स्टोर कीपर और अन्य कर्मचारियों ऑडिट रिपोर्ट को हवा हवाई बता रहे हैं। 528 कुंटल चीनी बंदरों को खाने और बारिश के पानी से खराब होना बताया गया है। विगत 4 सालों से मिल्स के लिए मेंटेनेंस भत्ता नहीं मिला है, और इसके लिए जिला प्रशासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई समाधान नहीं कराया। वहीं चीनी मिल के स्टोर कीपर, डिप्टी इंजीनियर और कर्मचारियों का मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। श्री विनोद कुमार ऑडिटर साहब तो यहाँ आए नहीं, सुनना मेरी बात। उन्होंने वहाँ अपने गेस्ट हाउस में बैठ के चीनी का आकलन कर दिया। उन्होंने 401.37 दिखाया, 1538.37 में से 1137 शॉर्ट दिखा दिया, लेकिन 500 उन्होंने फिजिकल नहीं किया। जो मेरा रिकॉर्ड बोल रहा है वो 565 कुंटल है।
तो 565 माइनस कर दो फिर कितनी बची? 965 के करीब। तो फिर भी गायब? फिर भी गायब है? नहीं तो गायब तो है सर, तो ये देखो तो सही कितनी चीनी इसमें, वो पानी से ज्यादा क्षति हुई है, पानी से ज्यादा क्षति हुई है, ये बंदरों से नहीं है। जी सर भाई, आपके हिसाब से आंकलन में कितनी कम आ रही है यहाँ? देखिए आप तो कोई ये प्लांट अभी हमारी जाँच चल रही है, जाँच के बाद प्लांट 3 साल से बंद है। हम लोगों से क्वारी स्टॉक पे बात हो रही, बात प्लांट पर नहीं हो रही। स्टॉक आपके पास जो प्लांट 3 साल से बंद है, इतना शॉर्ट मिला है। मेरी बात सुन लीजिए ना, प्लांट 3 साल से बंद है, इसको एक पैसा मेंटेनेंस के लिए नहीं मिला है। तो क्या कहें, इन्होंने चीनी बेच करके पानी बह गई या चीनी बेच करके? चीनी बेची तो नहीं गई है, चीनी क्षतिग्रस्त ज्यादा हुई है। क्या किया होगा? पानी बह गई, क्या लग रहा है? पानी से बर्बाद हुई जो पहले से रिकॉर्ड मेंटेनेंस गोदाम कीपरों द्वारा किया जा रहा है। आपके कहने के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट ठीक है? ऑडिट रिपोर्ट तो भाई जो गिनती है वो तो मैं मानूंगा ही कि ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम M.K. शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए चीनी मिल में जो 1100 क्विंटल चीनी बंदरों के द्वारा खाया हुआ ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है, आपके निरीक्षण में ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है क्या वास्तविक स्थिति सही नहीं है? ये बहुत लंबी पुरानी बैक हिस्ट्री है साता चीनी मिल इतिहास की, इसकी स्टोरी ही अलग है। जब सन 2000 के आसपास वेयर हाउस अलीगढ़ में गोदाम किराए पर लिए गए थे, उस समय वहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी, 600 चौराहे पे। नहीं सर, ऑडिट रिपोर्ट में तो मात्र 30 दिन के अंदर 1100 क्विंटल 30 दिन के अंदर चीनी खा जाना ये संभव है? अच्छा दूसरा सवाल ये है, किस गोदाम के अंदर कितनी चीनी थी और कितनी अवेलेबल? वो सब गोदाम में स्टॉक में रखा हुआ लिखा हुआ है सब कि किस गोदाम के अंदर कितनी चीनी। इस गोदाम का इंचार्ज कौन से शान की? इंजीनियर साहब ये सामने खड़े हैं, ये इनका नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह है ये, यहाँ इंचार्ज हैं, यही यहाँ से चीनी का जब भी उठाना होता होगा यही करते होंगे। पहले फेडरेशन लखनऊ से हेड ऑफिस से एक आमंत्रण आता है कि आप इतने 1000 क्विंटल चीनी बेचेंगे। ओके। अगर पार्टी पसंद करती है तो उतना पैसा जमा करती है, 2 ट्रक का पैसा जमा कर दिया, यानी 250-500 क्विंटल बोरी का जमा कर दिया, वो उतना पैसा चेक जमा होगा। चेक जमा होगा, सेल्स ऑफिसर वहाँ से डीओ लेटर जारी करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा, उसके बाद रिलीज डीओ लेटर का जारी करेगा, उसके बाद ये ई वे बिल बनाएंगे। एक चीज़ बताइए, आप यहाँ सुपरविजन करते हैं, आप यहाँ इंजीनियर चीफ इंजीनियर? मैं डिप्टी चीफ इंजीनियर हूँ। डिप्टी चीफ इंजीनियर, पहले मैं इंजीनियर बन के आया था 2001 से 2010। मेरी बात सुन लीजिए, आखिर इस गोदाम में, इस गोदाम की स्थिति हम भी देख रहे हैं, इस गोदाम में कब से उठान नहीं हुआ, कब का स्टॉक था? अक्टूबर के बाद कोई 21 अक्टूबर के बाद नहीं उठा। कौन से 10 अक्टूबर? 2023 से। 2023 से। बताइए, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आप बता रहे हैं बंदर, पूरा प्रांगण देखने से ये प्रतीत हो रहा है कहीं से बंदर नहीं घुस सकता, इसमें एंट्री नहीं कर सकता। देखिए वहीं देख लीजिए सामने, वो दराज देख लीजिए। नहीं नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं कि इस गोदाम में कहाँ से बंदर एंट्री करेगा, बता दीजिए आप सारा पूरा देख। सुन, आप कैमरा मैन हमारे चारों तरफ दिखा सकता है घुमा के। एक पॉइंट बताइए कि यहाँ वाले बंदर कहाँ से आएगा? 3 नंबर गोदाम देगा? नहीं, आप तो ये खोल के दिखा दिखाएंगे फिर? नहीं, ये तो हमने ये भी दिखाना है, हमें तो दिखाना ये भी है, दिखाना वो भी है। अरे जी भाई, एक चीज बताइए, एक गोदाम का स्टॉक निल हुआ हो दूसरे से देंगे, ऐसा तो नहीं? ना 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 ना, तो सर ईयर वाइज उठाना। अच्छा, तो रिपोर्ट जो है वो गलत है क्या? रिपोर्ट गलत, रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई है वो गलत है। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट जो बनी है, ऑडिट रिपोर्ट सही बनी है। सही है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट सही कहाँ से शर्मा जी? जो वास्तव में इतनी चीनी है उतनी, जो 400 को समथिंग दिखाई गई है उतनी एग्जैक्ट उतनी है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो दर्शाई जा रही है वो सही है इसका? वो उतनी शॉर्टेज पता नहीं कब से चली आ रही है। नहीं, वो तो 30 दिन में कह रहे हैं कि बंदर खा गए। नहीं, 30 दिन में कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं बताऊँ। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। अच्छा गुलाब सिंह जी, ये बताइए जो गोदाम में चीनी रखी थी कितने कुंटल चीनी बंदर खा गए? देखिए सर, जांच चल रही है, जांच जब हम पे आ जाएगी तो हम फिर उसी हिसाब से जवाब देंगे। अच्छा, कितनी चीनी यहाँ मौजूद थी? ऐसा अभिलेखा अनुसार तो 1538.37 थी। अच्छा, पर तो 1538 क्विंटल
1.37 क्विंटल थी यहाँ जी। अब कितनी मौजूद है? अब मौजूद कितनी? चूंकि आप तो गोदाम इंचार्ज हो, चीनी आप निकलवाते हो। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, वही मैं करूँ, मैं ये कह रहा हूँ अब जो मौजूद है, एक तो ऑडिटर साहब यहाँ आए नहीं। अच्छा, वो ऊपरी ऊपर निरीक्षण कर ले गए। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर उनसे आज भी इनसे गिनवाया जाए तो वस्तु स्थिति नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। और रहा बंदरों का हिसाब, मेरे शटर टूटे हुए नीचे से आप देख सकते हो वस्तु स्थिति जो आपके सामने है। इधर मेरे जो गोदाम है इनकी छत जर्जर अवस्था में हो रही है, बारिश के टाइम में पानी आता है। तो नहीं, ये सवाल ये बताइए बंदर कैसे अंदर घुसाए? अरे तो दिखा तो रहा हूँ आपके सामने है। हाँ। अच्छा, एक चीज का जवाब दीजिए, आप गोदाम इंचार्ज हैं जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं टूट फूट हो रही है, कहीं से दरवाजा टूट रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, क्या आपने इसके लिए पत्राचार प्रबंधक को या ऊपर जीएम को कहीं किया था? जी 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 जी। क्या कहा उन्होंने फिर? मैं तो चिट्ठी भेजता रहा हूँ। अच्छा, चिट्ठी का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी? क्या कह दिया? अब वो ना करें, कार्रवाई कराएं। एक तो एक्चुअली बजट नहीं मिलता है यहाँ, बजट का अभाव है, पैसे पैसे मिलते नहीं है यहाँ पर, जीरो अवस्था में चीनी मिल है और बजट सैंक्शन यूपी फेडरेशन लखनऊ से होता है। कितना कितनी चीनी खा गए होंगे बंदर? देखिए सर, बंदरों ने इतनी क्षति पहुँचाई है जितनी बारिश से ज़्यादा हुई है। अच्छा, बारिश से ज़्यादा हुई, इतनी बंदरों से नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में लगभग हमारी जानकारी में 1100 क्विंटल चीनी बंदर खा गए जी। क्या आप मानते हैं कि इतनी चीनी बंदर खा गए होंगे एक महीने के अंदर? नहीं सर। है? नहीं, नहीं मानते। तो ऑडिट टीम के द्वारा जो ऑडिट किया गया, आप उसको सही मानते हैं गलत है? जो बताओ पहले सर, जो ऑडिट किया गया है वो एक्चुअली यहाँ आए नहीं, उन्होंने अपनी आँखें अपने आप से दे दी गई है। जो अगर आज भी उन सुनिए सर, अगर आज भी उनसे गिनवा लीजिएगा तो वो वस्तु स्थिति नहीं पता पाएंगे कि इसमें कितनी चीनी शॉर्ट है। आपके अनुसार वो गलत रिपोर्ट है जी? ठीक है। महादीपक सिंह। अच्छा महादीपक सिंह, ये बताइए आप, यहाँ ये जो चीनी मिल है ये कौन सा चीनी मिल है और यहाँ जो बंदरों का आतंक कितना है? हम गया डी किसान साता चीनी मिल अलीगढ़, और यहाँ पर चीनी बिल्कुल ना आया होगा। अच्छा, कब से नहीं चीनी यहाँ? चीनी हथी बिक गई, अगली साल बिक गई। अच्छा अच्छा, आप सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ नौकरी करते हैं? मैं बरसों में था, परमानेंट नौकरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम परमानेंट हो और आपकी वर्कशॉप में ड्यूटी थी, तो चीनी यहाँ कब से नहीं है गोदाम में, अंदर वेयर हाउस में? ये तो अभी खड़ी गई है। कितने दिन हो गए? ये बताओ तो, एक साल दो साल पहले? ये बंदर जो चीनी खाते हैं, खाते हैं ये बंद का है, अब तो गोदाम में बंद हो जाता है, कहाँ तक खा लेंगे? नहीं खा पाते ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से चीनी जो है कब से नहीं है, क्या साल से नहीं है चीनी? 1918 के बाद तो बनी ही ना है चीनी। 18 के बाद चीनी नहीं बनी, तो इसका मतलब फिर बंदर चीनी खा ही नहीं सकते है? तमाम फैली पड़ी है वहाँ में, बाद सी ए साहब ने वो खुलवा दो, वहाँ में निजी चीनी फैल रही है, पीता। चीनी बेकार रह गई है, उसकी देख रेख करने वाला नहीं। 2017 से पहले चीनी बनती थी यहाँ? हाँ जी। अच्छा, 2017 के बाद कभी चीनी नहीं बनी? 18 के बाद बनी, बाकी बाद भी बनी है, 19वीं बनी है, 20वीं बनी है। अच्छा, तो मतलब बंदरों का जो आतंक है वो इतना नहीं है चीनी को लेकर? ना, चीनी के ऊपर ना है वो। ठीक है, ये तो गायब करिए चीनी, इनते बिकी है कि चीनी और खाए? अच्छा, गायब और बिकी है। तो मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं कि बंदर खा गया? ना, बंदर ना खाई। अच्छा, ये आप ये फंस रहे हैं तो ये बता रहे हैं आप तो कि जालिम सिंह। अच्छा जालिम सिंह, ये बताइए आप यहाँ कितने दिन से तैनात हैं और कौन सी जगह तैनात हैं आप? अब तो हम गेट पे पैर खराब हो गए हम। तो चीनी मिला ही है अलीगढ़ का? हाँ, अलीगढ़ का सादा चीनी। सादा चीनी, तो यहाँ क्या दिक्कतें होती हैं? बंदर यहाँ कितने हैं? बंदर 1000 के करीब होंगे। अच्छा, 3 बजे ले करेंगे वो? 3 बजे? हाँ, हाँ, हाउस में बैठे होंगे कछु तो पूरे हाउस में। अच्छा, तो क्या चीनी भी नहीं को खा जाते हैं बंदर? खाते हैं बेयर हाउस में। रखवाली नहीं करता कोई उनकी? जाते हैं चक्कर लगा, मतलब मारे आवाते हैं। कितनी चीनी खा गए होंगे अब सर? यह तो हमें नया जानकारी। आपकी क्या घंटे ड्यूटी है? 8 घंटा की है सर। 8 घंटे की? एक ही शिफ्ट में ड्यूटी रहती है? हाँ, एक ही दिन में ही रहते हैं। मैं तो और रात में और आते हैं लोग? हाँ आते हैं। रात में कौन लोग आते हैं? और जो हथकान सिक्योरिटी के पास में। तो बंदर लगातार चीनी खा रहे हैं तो इनको भगाया नहीं जाता? चीनी ना खा रहे, इतना खा रहे बंदर है? चीनी है नहीं है क्यों? आप बताओ, सही बात बताओ, चीनी है नहीं इनकी भाई? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सपा प्रत्याशी
चौधरी विजेंद्र सिंह आज डीएम से मिले। इस दौरान सपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर बेहतर सुविधाएं किए जाने की मांग की। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने मतगणना में अनहोनी की भी आशंका जताई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, काउंटिंग से रिलेटेड बड़ा अहम 5 बिंदु थे हमारे। जिलाधिकारी और जिला रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और उसकी कॉपी हमने चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव आयोग लखनऊ को भी फैक्सरी और मेल से भेज दी है। बड़ा स्पष्ट हमारा मत है कि चुनाव में पारदर्शिता का रहना आम जनता के विश्वास के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास रहे। उसमें हमने पहली मांग की है कि प्रत्येक विधानसभा की मतगणना में जो 14 टेबल लगेंगी, जब पूरी की पूरी 14 टेबल एक चक्र की कंप्लीट हो जाए तब दूसरा चक्र का प्रारंभ किया जाए, जिससे बीच में कोई घपला ना हो सके। नंबर 2 यह है कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें निकलती हैं वहाँ पीछे से गड़बड़ हो जाती है अक्सर, वहाँ हम लोगों को एक एजेंट को बैठने की अनुमति दी जाए। नंबर 3 यह है कि जहाँ टेबुलेशन पर सेंटर टेबल पर वो फीड किया जाता है वहाँ हमें एक दो आदमी बैठने के लिए पास इशू किए जाएँ, ऐसे ही हमारी एयर टेबल पर होना चाहिए। और उसके बाद प्रत्येक उसकी अनाउंसमेंट भी तब होनी चाहिए जब 5 का हम संतुष्ट हो जाएँ, 10 का हो जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें दी हैं हमने, और कभी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कैंडिडेट हैं हम न से कोई और सही ओल्ड एज के हैं, हम भी बीच में ही आ गए हैं, तो उन्हें वहाँ तक जाने आने के लिए वो सुविधा दी जाए, वाहन आदि की और भी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि इसमें संविदा कर्मी कोई भी ड्यूटी पर न लगाया जाए, परमानेंट नौकरी वाले लगाए जाए। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सेंटर टेबलों पर हमें अनुमति दिया, हम तो चाहेंगे कि उसमें सीए वगैरह लगाए जाए या बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगेगी तो वो तो मतगणना में माहिर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डीएम साहब को दी, चुनाव आयोग को दिल्ली लखनऊ दे दी हैं और इनकी हमने मांग की है। जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम आचार संहिता की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें मानेंगे और कोई अन्यथा कहीं आवश्यकता होगी तो उसको देखेंगे। क्या मानते सांसद जी, आपको कहीं आशंका सता रही है इस बात को देखिए? हमें नहीं सता रही है, हमारी जनता को, क्योंकि अलीगढ़ में चुनाव मेरा नहीं हुआ है, जन आंदोलन हुआ है। 36 बरादरी सातों जात हिंदू मुसलमानों ने यहाँ भाजपा और कैंडिडेट को हराओ अभियान किया है, उनके दिल में ये शंका सता रही है गाँव मन में, क्योंकि भाजपा के नेता और सांसद और उनके तमाम MLA ये कहते घूम रहे हैं वोट सही सलाह हमारा एक न पड़ा हो और जीतेंगे हम ही। ये कौन सा जादू इनके पास में है जो इस तरीके की बात करते हैं? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज ही कह रहा हूँ, मैं तो मतगणना कर्मियों को भी इस तरीके से अन्न बिनय के साथ कह देना चाहता हूँ, जनता का करो और मरो का आंदोलन है, 1% भी किसी ने कहीं हाथ हिलाने की गलत कोशिश की तो जनता खा जाएगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जनता कह रही है, और यही मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ कि हम प्राण त्याग सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हम। जनता लाखों की भीड़ में आने के भी चांसेज हो रहे हैं, गांवन में लोग अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं, मेटाडोर बसों से आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को, जनता आ गई तो मैं थोड़ी भगा दूंगा। लेकिन पूरी जनता का प्रेशर मतगणना पर रहेगा, क्योंकि ये मतगणना जनता की है, विजेंद्र सिंह तो छोटी चीज़ है। बहुत बहुत शक है कि जो चुनाव आयोग के नियम निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। देखो यार, हमको DM पे प्रशासन पे शक नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना चाचाओं का दिल्ली लखनऊ, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसमें पहले मैं एक बार 2009 में उसे भोग चुका हूँ, इसीलिए भाई दूध का जला मटा फूक के पीता है, मैं एक एक कदम गिन गिन के रख रहा हूँ। और इन तमाम पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से प्रेस के चौथे स्तंभ का मैं सम्मान के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि कसम है हमारी और अन्याय की, हमें न्याय दिलाने की कोशिश करो, आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ। और चुनाव आयोग से भी निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे इस 5 बिंदुओं पर गौर फरमाएं और जिला रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी को निर्देशित करें, जिससे कि मतगणना पारदर्शी और आचार संहिता के अनुरूप हो सके, जनता के भावनाओं का कद्र हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। धन्यवाद।
अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गंगीरी क्षेत्र के अंतर्गत आम के बाग की रखवाली कर रहे व्यक्ति को दबंगों ने घेर कर जमकर पीट दिया। थाना पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसएसपी अलीगढ़ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित को एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश। पीड़ित वीरेश ने घटना को लेकर क्या बताया, सुनिए। तुम्हारा नाम है वीरेश, कहाँ रहते हो? बढ़ारी रहते हैं, बढ़ारी। थाना कौन सा है? थाना गंगीर चौराया। ये बताइए क्या मामला है, क्या घटना हुई है आपके साथ? ये हम बागर खा रहे थे, बच्चे आए थे, हमने वो फटकार दिए थे। हाँ। और उनके घर वालों ने घर गए थे और रोका, रो करके अपने बाप को, मेहतारी को, चाचा को, ताऊ को सब को बुला के लाए थे। हमारी भैया में मारपीट करी थी। मारपीट किन किन ने करी है? मारपीट क्या नाम है, किन किन ने मारपीट करी है तुम्हारे? मन हो जाता एक टोली सी थे और एक रायंदे की बहुत थी और रायंदे थे। हाँ। ये सबरे भाई से सबरे। थाने में शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत की थी, मैं हमारी सुनवाई नहीं की थी, उन्हें फटकार के भगा दिया। पुलिस ने भगा दिया? हाँ। आज कहाँ आए थे? आज अलीगढ़ आए थे, हमारी सुनवाई करो। साहब से मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। क्या कार्रवाई नहीं हो रही उनकी? कितने लोग हैं मारपीट करने वाले? आठ दस तो ऐसे होंगे, हमने देखा नहीं, हम लोगों को नीचे दबा दिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।